हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू पांडे, आप लोगों का वाइब्रेशन क्लासेस होम साइंस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में वसा के बारे में पढ़ा था और आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और आज हम वसा के आगे जो टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पूरा संतृप्त वसा और संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा पढ़ा था। फिर हमने उसमें देखा था कि संतृप्त वसा कौन कौन से होते हैं। जैसे सब एक बार मैं फिर उसको रिवाइज कर दे रही हूँ फ्रेंड। जैसे ब्यूटारिक अम्ल, कैप्राइक अम्ल, कैप्रोलिक अम्ल, कैप्रिक, लॉरिक, माइस्टिक, पोमिटिक, स्टेरिक, ऑर्किडिक अम्ल, ये सारे क्या हैं? आपके संतृप्त वसीय अम्ल में आते हैं। और आपके जो असंतृप्त वसीय अम्ल है फ्रेंड्स, वो है पोमिटोलिक, ओलिक और लिनोलिक। फ्रेंड्स, जो है मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि हाँ, जैसे एग्ज़ाम में आता है कि बुरे कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं, तो ये संतृप्त वसीय अम्ल होता है फ्रेंड, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जमता है। तो ये क्या होता है कि ये जो है इन्हें जो है हम बुरे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इनका लेवल लो रहता है। और जो HDL होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला जो होता है, वो होता है असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, तो उसे हम HDL कहते हैं और इसे हम LDL कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो है वसा अनिवार्य वसीय अम्ल के बारे में जो है आगे हम लोग आज अनिवार्य वसीय अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक बर तथा बर ने 1929 में अनिवार्य वसीय अम्ल के बारे में बताया था। इसमें आपका तीन है, लिनोलिक है, लिनोलेनिक है और आर्किडोनिक है। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये लिनोलिक है अम्ल है, इसमें क्या होता है कि लिनोलिक अम्ल शरीर में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये जो लिनोलिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, ये शरीर में उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। यह वृद्धि बनाए रखने में तथा चर्म रोगों में उपयोगी होता है। वनस्पति भोज पदार्थों में पाया जाता है, जैसे बिनोले, मूंगफली तेल में। फिर आपका फ्रेंड्स आता है लिनोलेनिक जो है अम्ल, यह स्तनपायी प्राणियों में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है तथा चर्म रोगों में उपयोगी नहीं पाया गया है। फिर आपका आता है आर्किडोनिक वसीयम। आर्किडोनिक वसीयम में फ्रेंड्स क्या होता है कि यह वसीयम केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है। इसकी अधिकतम मात्रा मछली के तेल में रहती है, अतः यह आंशिक आवश्यक वसीय अम्ल माना जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में फ्रेंड्स क्या है कि हाइड्रोजनीकरण वह क्रिया है जिसमें असंतृप्त वसीय अम्ल में हाइड्रोजन की क्रिया की जाती है। असंतृप्त वसीय अम्ल हाइड्रोजन से मिलकर संतृप्त वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं तथा कम तापक्रम पर ठोस रूप में लेते हैं। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन क्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम लोग वसा के कार्य को देखेंगे तो जो सबसे पहले इसका कार्य है कि क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है कि ये जो है जो वसा होता है वो एक प्रति ग्राम 9 कैलोरीज इसमें मिलता है और कई अवस्थाओं में ये शरीर को कैलोरीज या शक्ति प्रदान करता है। तो यह इसका मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा क्या है कि इसका विटामिन ए डी ई के प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन ए डी ई के वसा में पदार्थों में ये घुलनशील होते हैं, ये तो आपने पता ही पढ़ा होगा कि विटामिन दो होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो ए डी ई के होते हैं और अन्य जो वसते हैं वो सारे जल में घुलनशील होते हैं। जैसे आपका थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, नाइसिन हो गया, पैराडॉक्सिन हो गया, जितने भी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं कि इनके जो ये पदार्थ को उचित मात्रा ले जाने पर, इनको उचित मात्रा पे ले जाने पर क्या होता है कि जीवन वसा को हम जब उचित मात्रा में लेते हैं तो विटामिन्स का ये पाचन अच्छी तरह से हो जाता है। फिर क्या करता है कि ये विटामिनों के अभिशोषण में सहायता प्रदान करता है। यही फ्रेंड्स, अभिशोषण में जब ये जल वसा में घुलनशील होते हैं तो ये अभिशोषण में सहायता। फिर अनिवार्य वसीय अम्ल प्रदान करता है। अनिवार्य वसीय अम्ल में हमने पढ़ा फ्रेंड्स, ये तीन होते हैं, लिनोलिक होता है और आर्किडोनिक होता है। ये शरीर को प्राप्त होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने हैं तो अनिवार्य वसीय अम्ल के लिए आवश्यक होता है। फिर ये क्या होता है, पानी के अभिशोषण को कम करता है। ये जो वसीय पदार्थ जो होते हैं, ये कार्बोज तत्व स्टार्चेस के ऊपर आवरण बनाए रखते हैं, जिससे पकाते समय उनका आकार अधिक मात्रा में पानी शोषण न कर पाने से छोटा तथा आकर्षण दिखता है। फिर छठा है फ्रेंड्स, अवयवों को संरक्षण प्रदान करना।
स्निग्ध पदार्थ आंतरिक अवयवों पर जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा जमा होकर उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। ये फ्रेंड्स भोजन में स्वाद भी बढ़ाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम घी, तेल इन सब का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। यह ऊर्जा, कैलोरी, शक्ति प्रदान करता है। फ्रेंड्स फिर क्या होता है कि जो फास्फोलिपिड्स तथा कोलेस्ट्रॉल ये दोनों स्निग्ध पदार्थ के स्वरूप में मस्तिष्क तथा नाड़ियों में रहकर महत्वपूर्ण कार्य करता है अथवा कोशिका की पारगम्यता को जो है ये बनाए रखता है और उन्हें यह दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो इसमें है कि ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। एक और पॉइंट ये है कि ऊतकों में क्या होता है कि ऊतकों में वसा के रहने पर शरीर में अधिक ठंड तथा गर्मी महसूस नहीं होती है। साथ ही दुर्घटना में घाव इत्यादि के जाने पर नाड़ी तंतुओं का अधिक ना, जैसे फ्रेंड्स देखे होंगे कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं अक्सर उन्हें ठंडी कम की अनुभूति कम होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो जो है वसा होता है जो हमारे ऊतकों में होता है वह हमें गर्मी प्रदान करता है। फिर फ्रेंड्स क्या आता है कि ये लैक्टोज नामक कार्बोज पदार्थ का घटक गैलेक्टोज की उपयोगिता के लिए आवश्यक होता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप नोट डाउन कर कि जो लैक्टोज नामक कार्बोज पदार्थ का घटक होता है वो गैलेक्टोज की उपयोगिता के लिए आवश्यक होता है। फिर फ्रेंड्स है कि वसा का पाचन का सबसे पहले फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो पाचन होता है वो मुंह में नहीं होता, मुंह और आमाशय दोनों में इसका पाचन नहीं होता। इसमें तो पदार्थों का पाचन मुंह और इसमें नहीं होता है, नहीं होता है। फिर क्या होता है कि पाचन के लिए वसा का मंथन द्वारा पायसीकरण होना आवश्यक है। पायसीकरण में वसा छोटे छोटे भाग में विखंडित हो जाते हैं। यह क्रिया आमाशय में प्रारंभ होकर पक्वाशय में पूर्ण होती है। फिर क्या होता है फ्रेंड, जो पक्वाशय में अग्नाशय से पाचक रस एवं पित्ताशय से बाइल स्निग्ध पदार्थों में मिल जाते हैं, जिससे स्निग्ध पदार्थों का पायसीकरण होकर पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर क्या है कि छोटी हथेलियों के पाचक रसों में पाए जाने वाले लिसिथिनेस एंजाइम पाचन में मदद करता है। फिर अतड़ियों में अधिक क्षारीय माध्यम रहने पर क्षार वसीय अम्ल के साथ मिलकर साबुन बनाता है। सामान्यतः छोटी अतड़ियों का क्षारीय माध्यम अधिक तीव्र नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड कि जो छोटी अतड़ियों में ट्राइग्लिसराइड का पुनः सृजन होना प्रारंभ होता है और ये ट्राइग्लिसराइड मनुष्य प्राणियों के शरीर में को मजबूती प्रदान करते हैं, उन्हें जो है मतलब एक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, स्निग्ध पदार्थों का अवशोषण जो आता है इसमें क्या है कि छोटी अतड़ियों के म्यूकस मेम्ब्रेन में वसीय अम्ल मोनोग्लिसराइड, डायग्लिसराइड तथा ग्लिसराल अवशोषित कर लिए जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में तीन वसीय अम्ल एक ग्लिसराइड के अणु के साथ मिलकर विशेष प्रकार के योग्य ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। इन्हें हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। काइलोमाइक्रॉन में फ्रेंड्स जो है 83% ट्राइग्लिसराइड होता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। जो काइलोमाइक्रॉन होता है उसमें 83% ट्राइग्लिसराइड होता है, 2% आपका लाइपोप्रोटीन होता है, 8% आपका एस्टरिक एवं स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल होता है, 7% आपका फॉस्फोलिपिड्स होता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, जो ये काइलोमाइक्रॉन का शोषण यकृत तथा वसीय अम्ल में शीघ्र हो जाता है। यकृत में कुछ मात्रा में स्निग्ध पदार्थ प्रोटीन के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन के रूप में रक्त में आते हैं। बाइल सार तथा अग्नाशय इसकी कम मात्रा से वसा का पाचन अपूर्ण होता है। इसलिए फ्रेंड्स बाइल सार और अग्नाशय रस की जो मात्रा होनी चाहिए वह सामान्य होनी चाहिए ताकि वसा का पाचन आसानी से और अच्छे से हो सके। और फ्रेंड्स इसके बाद है आपका वसा के पाचनशीलता और अभिशोषण को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन से वो तत्व हैं जो वसा को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्या आता है कि जो आपका ये वसा में स्टेरिक अम्ल जो होता है ये क्या करता है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर जो वसा होती है या इसे प्रभावित करता है। तो पहला हो गया आपका वसा में स्टेरिक अम्ल, दूसरा आपका हो गया वसा का द्रवणांक, वसा की मात्रा, आयु, पायसीकरण तथा तत्व की उपस्थिति, लंबी श्रृंखला से वसीय अम्ल और
बाष्पीकरण की जो तत्व की उपस्थिति होती है फ्रेंड्स, जैसे बाष्पीकरण क्या होता है कि यह जो है वसा के पानी में आसानी से फेंटा जाता है, यह जो सूक्ष्म कण होते हैं इन्हें जब ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब दही होता है उसे मथते हैं तो मक्खन क्या होता है कि छोटे छोटे मक्खन बाहर आ जाता है, और जब यही क्रिया बाष्पीकरण तत्व की उपस्थिति की जब कमी हो जाती है फ्रेंड्स, और जब वह अपना अवशोषण अच्छे से नहीं कर पाता है तब क्या होता है कि उसका जो अवशोषण होता है वह अच्छे से नहीं हो पाता है। जब अच्छे से नहीं हो पाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आ गया जो है जैसे वसा की मात्रा आ गया। वसा की मात्रा में क्या है फ्रेंड्स कि हमें जो है वसा की मात्रा सामान्य, यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो गई तो हमारे शरीर में मोटापा हो जाएगा। मोटापा हो जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां जैसे कई सारे रोग, डायबिटीज और मोटापा से तो वैसे भी फ्रेंड्स बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में दिक्कत हो जाती है, तो ये सारी दिक्कत हो जाती हैं। और जब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जैसे स्टेरिक वसीयम्न होता है, जब स्टेरिक वसीयम्न में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है कि यह वसा का अवशोषण अच्छे से नहीं कर पाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद जैसे दूसरा था आपका वसा का द्रवणांक, इसमें क्या होता है कि जब वसा का द्रवणांक अधिक हो जाता है तो इसका जो अवशोषण होता है या इसकी धीमी गति से होने लगता है। आयु भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है कि जैसे 1 साल तक के शिशु एवं वृद्ध व्यक्ति वसा का अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी बहुत नाजुक चीज़ें रहती हैं उसके अंदर, वो ग्रोथ करती हुई रहती है, तो अचानक से जब हम उसे हैवी चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाने को देंगे तो वो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और वृद्ध लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स आपका आता है लंबी श्रृंखला वाले वसीयम्न, जैसे जो लंबी श्रृंखला वाले वसीयम्न होते हैं उनका अवशोषण क्या होता है कि अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत धीमी गति से होता है। उसके बाद क्या है फ्रेंड जैसे असंतृप्त वसीयम्न, इसमें क्या होता है कि संतृप्त वसाओं का अवशोषण क्षमता चयापचय की क्षमता में यह वृद्धि होती है। फिर आपका आ गया स्निग्ध पदार्थों का चयापचय। स्निग्ध पदार्थों के चयापचय में फ्रेंड्स क्या है कि रक्त के प्लाज्मा में 4 प्रकार के स्निग्ध पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी कुल मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति 100 किलो प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होता है। जैसे पहला हो गया आपका वसा हो गया फ्रेंड्स, ये सारे जो 4 पॉइंट है ये एक सामान्य मात्रा है, इतनी ही रहनी चाहिए, जिससे अधिक हो रही है तो व्यक्ति को क्या होती है कि व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वसा हो गया तो वसा का 120 mg, कोलेस्ट्रॉल हो गया तो उसका 180 mg, फॉस्फोलिपिड्स हो गया तो उसका 160 mg, स्वतंत्र वसीयम्न हो गया तो उसका 10 से 15 mg मतलब प्रतिशत में वो है, ये प्रतिशत में है फ्रेंड, तो 120 mg 120 mg कोलेस्ट्रॉल, 80 mg फॉस्फोलिपिड, 160 mg। और अगर ये मात्रा जैसे 180 है कोलेस्ट्रॉल, अगर ये 280 हो गया, इसका 120 है तो 180 मान लीजिए, तो अगर ऐसी समस्या आती है फ्रेंड्स तो क्या होता है कि व्यक्ति को जो है समस्या हो सकती है। फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से आप एक बार मेरे लेक्चर को सुन लीजिए, फिर आप इसे ना हो तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और आप खुद से स्टडी करिए, आपको खुद से भी कहीं मटेरियल मिले तो आप प्लीज़ उसे अपनी नॉलेज के लिए इकट्ठा करिए। फ्रेंड्स फिर क्या होता है कि वसा रक्त में लाइपोप्रोटीन के रूप में यकृत से बनकर आती है। लाइपोप्रोटीन का शारीरिक कार्य, भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक रचना विशिष्ट भिन्न रहती है। यकृत में वसा दो स्वरूपों में संगठित होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जैसे क्या होता है कि जो मैंने भी बताया कि जो रक्त में लाइपोप्रोटीन यकृत में आती हैं, लाइपोप्रोटीन का शारीरिक कार्य, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक रचना विशिष्ट भिन्न होता है, तो इनका प्रमुख कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, वसा का परिवहन करना होता है, मतलब फैट का ट्रांसपोर्ट करना इनका मेन वर्क होता है। फिर क्या होता है कि जैसे फ्रेंड्स प्लाज्मा की बीटा लाइपोप्रोटीन तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा स्थिर रहती है, इन पर आहार, हार्मोन तथा कुछ अन्य बातों का भी कई प्रभाव देखा कि जैसे अलग अलग व्यक्तियों का शारीरिक बनावट अलग होती है, उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम अलग अलग होता है, मतलब रहता तो वही, किसी का वीक रहता है, किसी का स्ट्रांग रहता है, किसी किसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उन्हें बहुत जल्दी कोई चीज़ इफेक्ट कर देती है, किसी में अधिक होती है तो वो जल्दी नहीं कर पाती, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है कि कुछ भी खा लेते हैं तो आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, किसी किसी का लीवर वीक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि वही चीज़ होती है कि जब
आहार, जैसे क्या है कि आहार के स्टार्च कार्बोज तत्व प्लाज्मा की वसा की कम करती तथा आहार की शर्करा प्लाज्मा की वसा को बढ़ाती है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है कि जैसे जो प्लाज्मा की लाइपोप्रोटीन तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आहार में प्राणीज वसा की अपेक्षा वनस्पतिज वसा के उपयोग से कम हो जाती है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप फिर से एक बार सुन लीजिए। जैसे जो मैंने बताया कि प्लाज्मा की लाइपोप्रोटीन तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आहार में प्राणीज वसा की अपेक्षा वनस्पतिज वसा के उपयोग से कम हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया यकृत में वसा के, यकृत में जो वसा होती है फ्रेंड्स वो दो तरीके से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। जो यकृत में वसा होती है वो दो स्वरूपों में प्राप्त होती है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बना दूँ कि जो यकृत में स्निग्ध पदार्थ होते हैं जैसे काइलोमाइकॉन्स जो यकृत में पहुंचने पर बीटो ऑक्सीडेशन प्रणाली द्वारा ग्लिसराज तथा वसीय अम्ल में विभक्त हो जाते हैं। और यही फ्रेंड्स क्या होते हैं कि जब रक्त द्वारा ये यकृत में पहुँचाए जाते हैं तो वसीय अम्ल विभक्त होकर इनमें क्या करता है कि इन्हें ग्लिसराज के साथ शरीर में ट्राइग्लिसराइड के रूप में संगठित कर लेता है। और यह प्रणाली हमेशा किसके द्वारा चलती रहती है, यकृत के द्वारा चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये दो होते हैं, एक तो आपका हो गया लाइपोप्रोटीन अधिक घनत्व के और दूसरा आपका हो गया लाइपोप्रोटीन कम घनत्व के। तो जो फ्रेंड्स लाइपोप्रोटीन अधिक घनत्व के होते हैं, ये लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड में समृद्ध होते हैं जो कि आसानी से टूट तथा जुड़ सकते हैं। और ये जो लाइपोप्रोटीन कम घनत्व के होते हैं इनमें क्या होता है कि ये लाइपोप्रोटीन भी ट्राइग्लिसराइड समृद्ध रखते हैं तथा ये अधिक स्थिर रहते हैं। ये दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें टूटते हैं तथा जुड़ सकते हैं और इसमें ये टूटते नहीं हैं बल्कि ये स्थिर ही रहते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, यकृत देखिएगा और सुनिएगा भी। यकृत में स्निग्ध पदार्थ की अतिरिक्त मात्रा जम जाती है जिससे यकृत का बढ़ जाना नामक स्थिति निर्माण हो जाती है। भोजन में कोलिन तथा मिथियोनाइन रहने से यकृत में वसा जमा नहीं हो पाता है। देखिए फ्रेंड, जब क्या होता है कि हमारे यकृत में स्निग्ध पदार्थ की मात्रा जम जाती है जिससे यकृत का बढ़ जाना नामक स्थिति निर्माण हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे भोजन में कोलीन तथा मिथियोनाइन रहने से यकृत में मिथियोनाइन रहने से यकृत में ये वसा नहीं जमने पाती। तो फ्रेंड्स आपको कोलीन में बता दूं, कोलीन क्या होता है कि कोलीन जो आपका विटामिन बी होता है उसी का यह एक घटक होता है जो कोलिन होता है। आपका मिथियोनाइन तो आप जानते ही होंगे कि ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, मैंने आपको बताया था कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड तीन होते हैं, सिस्टेन, सिस्टीन और मिथियोनाइन। तो मिथियोनाइन आपका क्या है कि यह प्रोटीन सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। और उसके बाद तीसरा क्या था फ्रेंड्स जो है वो लाइपोपोट्रिक है जो कि कोलिन तथा मिथियोनाइन को लाइपोट्रॉपिक कहते हैं। लाइपोप्रोटाइक क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है कि यह वसा को जमाने तथा इकट्ठा न होने में यह मदद करता है, मतलब उन्हें कम करने में यह मदद करता है। फिर आपका आता है स्निग्ध पदार्थ के अधिकता का प्रभाव। जब हमारे भोजन में क्या होता है कि शरीर में स्निग्ध पदार्थ की मात्रा अधिक ली जाने लगती है तो कार्बोज पदार्थ की मात्रा कम ली जाने पर रक्त में स्निग्ध ऊर्जा प्रदान करने का स्निग्ध पदार्थ ऊर्जा देने के प्रयास करते हैं। फिर रक्त में रक्त की कीटोन बॉडी जिसे कीटोजेनेसिस कहते हैं। जब क्या होता है कि जैसे कीटोन बॉडीज ऊर्जा देने के उपरांत जब बच जाते हैं तो रक्त में इनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, मतलब जब ऊर्जा देने के बाद ये बचते हैं तो इनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है और इस अवस्था को कीटोसिसिस कहते हैं। फ्रेंड्स कीटोसिसिस आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, आपकी यूजीसी नेट में पूछा है, आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा है कि कीटोसिसिस क्या होता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब क्या होता है कि कीटोन बॉडीज ऊर्जा देने के उपरांत जब बच जाते हैं तथा रक्त में इनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो इस अवस्था को कीटो कहते हैं। और रक्त में कीटोन बॉडीज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने पर मूत्र में निष्कासित होना ये प्रारंभ कर देते हैं और मूत्र में कीटोन बॉडीज का पाया जाना ही क्या कहलाता है, कीटोन्यूरिया कहलाता है। फिर क्या होता है कि जो आपका ये एड्रिनोकॉर्टिकल होता है और पिट्यूटरी हार्मोन ये क्या करते हैं कि रक्त की कीटोन बॉडीज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर फ्रेंड्स पूछता है एग्जाम में कि कीटोन बॉडीज को सामान्य बनाए रखने में कौन से हारमोन्स मददगार होते हैं तो एक आपका एड्रिनोकॉर्टिकल है और दूसरा आपका पिट्यूटरी हार्मोन्स है।
उसके बाद आता है वसा की कमी से क्या क्या होता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे जो होते हैं हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं, जैसे एक आपने सुना होगा कि एडिपोज टिश्यूज होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे शरीर में क्या होता है कि वसा की अतिरिक्त मात्रा शरीर में वसा के रूप में जो है कहाँ पर यह जमा होती है, हमारे एडिपोज ऊतक में जमा होती है, जिसके कारण जिससे मोटापा हमारा होता है, जैसे जो व्यक्ति मोटे होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि उनके एडिपोज में क्या होता है कि सामा जो है वसा इकट्ठी होने लगती है। और एडिपोज ऊतकों में सामान्यतः 10 से 15% वसा रहती है जो 30% तक बढ़ती है, जिससे मोटापा होता है। मतलब हमारे एडिपोज ऊतकों में फ्रेंड्स क्या होता है कि 10 से 15% तक वसा सामान्य तौर पर रहती है, लेकिन जब इसकी मात्रा दुगनी हो जाती है, मतलब 30% हो गई, 32% हो गई, तो क्या होता है कि मोटापा बढ़ने की चांसेस क्या फ्रेंड्स बढ़ने लगते हैं। फिर आपका आ गया इसके जो है स्निग्ध पदार्थ किसे क्या कमी होती है, मतलब इनकी कमी से क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक टोड दो हैं, एक टोड स्किन होता है, एक फिनोडर्मा होता है। वैसे तो देखा जाए तो वसा की कमी से कोई बहुत विशेष रोग नहीं देखा गया है, बस केवल अनिवार्य वसीय अम्ल अगर हमें नहीं मिलते जो वो आपके तीन थे, लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्किनोनिक, तो ये दिक्कत हो जाती है, जिसमें ये सारे जो होते हैं फ्रेंड्स ये त्वचा के रोग, स्किन रोग हैं, स्किन डिजीज हैं जो कि व्यक्ति में इनकी कमी से हो जाते हैं। उसके बाद सामान्यतः क्या होना चाहिए कि जैसे अगर कोई वयस्क व्यक्ति है या फिर प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो है फीड कराने वाले मदर हैं, तो उन्हें 10 से 20% कैलोरीज वसा लेनी चाहिए। अगर 1 से 8 साल का बालक है तो उसे 15 से 20% होना लेना चाहिए। शिशु है, अगर वो 1 साल का है तो उसे 25 से 30% कैलोरीज लेनी चाहिए। अगर कोई जो है क्रियाशील जैसे जॉब वर्किंग फीमेल फीमेल है, तो उन्हें आपको 30 से 40% कैलोरीज मिलनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जो हमारे उच्च श्रेणी के जो वसा प्राप्त होते हैं, वो आपके घी घी है, तेल है, वनस्पति घी है, मक्खन है, आपका नारियल है और मेवा है, ड्राई फ्रूट जिसे आप कहते हैं, मूंगफली है, दूध है, पनीर है, इन सबसे मिलता है, इन सबसे प्राप्त होता है। फिर आपका आता है स्निग्ध पदार्थ वसा में सड़न। वसा में सड़न तथा दुर्गंध, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कोई खाद्य पदार्थ को रख देते हैं, जैसे हमने पनीर को रख देते हैं या फिर घी को रख देते हैं, तो उसमें सड़न उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये दो कारण से होता है। एक आपका क्या होता है कि जब हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव के कारण ये दिक्कत, ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलाइटिक के कारण ये दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो हाइड्रोलाइटिक डेंसिटी होती है, इसमें क्या होता है वसा का अपघटन लाइपेज एंजाइम से होता है, जिसमें कुछ स्वतंत्र वसीय अम्ल बनते हैं और बहुत कम अणुभार वाले वसीय अम्ल से दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। और फिर जो आपका ऑक्सीडेटिव एसिडिटी है, इसमें क्या होता है कि असंतृप्त वसीय अम्ल के डबल बॉन्ड की जगह वसीय अम्ल का ऑक्सीडेशन होता है एवं परऑक्साइड बनता है, जो कि कुछ समय के उपरांत अल्डिहाइड के रूप में या कीटोन में बदल जाता है, जिससे दुर्गंध उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, हम आप लोगों ने देखा होगा कि जो है अक्सर एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में मैंने ये अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है कि वसा के असंतृप्त वसा किससे नापा जाता है। तो असंतृप्त वसा को जो नंबरिंग दी जाती है फ्रेंड्स, वो आयोडीन, उसका मापक का जो वो आयोडीन मापन से इसको उसका मापन किया जाता है। तो उसका जो असंतृप्त वसीय अम्ल को जो मात्रा जिसे नापी जाती है, वो आपका आयोडीन नंबर होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो वसा इसके जो नापने का आयोडीन नंबर निकाला जाता है, ये आयोडीन नंबर निकाला जाता है, और 100 ग्राम वसा के लिए अभिशोषित आयोडीन की मात्रा ही आयोडीन नंबर होती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने पूरा वसा के बारे में पढ़ा, कि वसा के सारे एक एक पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है विटामिन मिनरल्स पे रहेगा, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव जो है कमेंट करना है तो प्लीज़ करिए, और मुझे अच्छा लगेगा, और मैं अगर कोई कमी होगी तो उसे कोई इधर सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।